बसमानी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी लर्निंग विद सोनी आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ़ ब्रेड पिज़्ज़ा जो कि झटपट से तैयार हो जाता है सिर्फ पंद्रह मिनट में और बहुत ही गमी है स्टफिंग सबसे पहले तैयार करेंगे हम उसके लिए हमने दो अदद आलू ले लिए हैं बॉयल पोटैटोस उसमें हम इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है एक बड़े से बाउल में हम इसको निकाल लेते हैं ताकि हम अच्छी सी मिक्सिंग कर सकें अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम मैंने थोड़ी सी लिए एक बड़ा चम्मच आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो आ, मैंने लिए हैं मटर और गाजरें इनको मैंने बॉईल कर लिया हल्का सा नमक डाल के और गाजरों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपने हम मैंने ये ऐड कर दिया इसमें कितना अच्छा कलर लग रहा है अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला वन टेबल स्पून अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट हाफ़ टी स्पून है क्योंकि मैंने पहले ऐड कर चुकी थी अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर जो कि है हाफ़ टी स्पून अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा आप ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं ऑरिगेनो मैं ऐड करूँगी आप कोई सी भी कंपनी का ऑरिगेनो ले सकते हैं मैंने यहाँ रोज़मेरी का लिया है और ये मैं वन टीस्पून ऐड कर रही हूँ अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं एक चम्मच सोया सॉस इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर वन टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और थोड़े से जो चंक्स होते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए आप स्टेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं उनका अच्छा सा मिक्सचर तैयार है हमारा अब हमने मैंने ब्रेड को ब्राउन शेप में कट कर लिया है कुकी कटर से इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड करते हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा मायनीज स्प्रेड कर लेते हैं मायनीस आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसके ऊपर जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसकी एक अच्छी सी लेयर लगाएंगे आप स्टफिंग की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है पिज़्ज़ा के स्लाइसिस रखेंगे आप आ, मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सॉस पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ की है आप चेडर या मोजरेला भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर मैंने थोड़े से और ऑलिव्स ऐड किए हैं और गैनो ऐड किया है पैन लेंगे उसको प्रीहीट कर लेंगे थोड़ा सा और ऑयल दिया मैंने उसको हल्का सा हमने स्प्रेड कर लेंगे उसको अच्छे से और इसके ऊपर हम डाल रख देंगे अपने पिज़्ज़ास और पंद्रह मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे जब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाएगी और जैसे ही हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो हमारे पिज़्ज़ा तैयार हैं इससे एक तो जो ब्रेड होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और ऊपर जो हमारी स्टफिंग थी वो जो है वो वो नरम होगी तो एक बहुत ही यमी सा फ्लेवर आएगा पिक देखें पिज़्ज़ा हमारे बिल्कुल तैयार है बहुत ही यमी टेस्टी इंजॉय कीजिएगा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा